ओके गाइस, तो आज रिव्यू करूंगी मैं दो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का। जस्ट हर्ब्स नाम है इस कंपनी का। तो यहाँ से मैंने आई शेडो का सेट लिया है और एक लिपस्टिक का सेट लिया है। तो वो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी और रिव्यू उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट शो यू व्हाट द प्रोडक्ट्स आर। तो एक है ये जस्ट हर्ब्स का लिपस्टिक वाला पैक और दूसरा ये आई शेडो वाला पैक। तो ये लिपस्टिक वाला पैक ऐसे एक छोटा सा बैग जैसा है। इसको हम खोलेंगे तो इसमें मिनी लिपस्टिक्स है। तो मैं सारे निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये है लिपस्टिक्स एकदम छोटे छोटे। इसमें मिनी लिखा ही हुआ है पैक में, सो इट्स एकदम मिनी साइज़ का। और हर एक में नंबर लिखा हुआ है, सो देर आर डिफरेंट शेड्स और टोटल ऑफ 16 डिफरेंट लिपस्टिक्स। और मैंने दो ऐसे मंगवाए हैं, ये एक बॉक्स और ये दूसरा वाला बॉक्स। अब मैं आपको आई शेडो का दिखाती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ द आई शेडो पैक लुक्स। ये भी बुलेट साइजेस का है, एकदम छोटे छोटे। इतने ही सारे कलर्स हैं इसमें। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर स्कीम का होता है यहाँ पे। मैंने ये इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड वाला जो है सेट, वो वाला लिया है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दूसरे में भी। ये थोड़ा ग्लॉसी टाइप का है और मेटालिक फिनिश का ज़्यादा है। और जो दूसरा वाला है वो भी लगभग सेम कलर्स का ही है, बट थोड़ा शाइन कम होगा, मैट फिनिश जैसा होगा। और साइज़ इसका लिपस्टिक से थोड़ा बड़ा है, बट ये भी मिनिएचर साइज़ का ही है। ओके, सो नाउ टाइम फॉर द रिव्यू। तो जैसे आपने देखा साइज़ बहुत ही छोटा है। अब पहले लिपस्टिक के बारे में बात करते। लिपस्टिक्स की साइज़ काफ़ी छोटे हैं और कलर्स भी बहुत ही डुप्लीकेट्स है। लाइक 16 जो स्मॉल स्मॉल बुलेट्स है उनमें से सारे 16 डिफरेंट कलर्स नहीं है। 16 में से बहुत सारे कलर्स एक ही कलर्स है, रिपीटेशन से एक सेम कलर के दो तीन ऐसे छोटे छोटे हैं। तो हालांकि यहाँ पे नंबर्स अलग अलग लिखे हुए हैं, 16 डिफरेंट नंबर्स है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इवन इफ अलग नंबर्स लिखे हैं बस शेड्स आर द सेम। ठीक है, तो मोर और लेस तीन चार डिफरेंट कलर्स हैं, बाकी उसी सेम कलर के अलग अलग पीसेज हैं। और सेटिंग थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं कहूँगी मैं, बिकॉज़ टफ नहीं है। एक तो बहुत ही छोटे हैं तो पकड़ के अच्छे से लगाने वक्त थोड़ा सा हिल जाता है और टूटने का चांसेस है। और लगाने के बाद थोड़ा सा ड्राई होता है लिप्स, तो ग्लॉसी फिनिश का नहीं है, मैट फिनिश होता है और लिप्स ड्राई हो जाते हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव लगा मुझे, बट अदरवाइज दे आर हर्बल प्रोडक्ट्स, सो स्किन फ्रेंडली एंड द बेस्ट पार्ट इज एनिमल्स पे टेस्टेड नहीं है, सो क्रुएल्टी फ्री। सो दीज आर द टू बेनिफिट्स आई कैन से। नाउ टॉकिंग अबाउट द आई शेडोज, आई शेडोज के कलर्स सब अलग अलग है, विच इज़ गुड, बेटर देन द लिपस्टिक। बट इनके भी सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगा, बिकॉज़ ये भी छोटे साइज़ के हैं तो लगाते वक्त थोड़ा सा हिल जाता है और सेटिंग उसका निकल आता है थोड़ा, तो केयरफुली लगाना पड़ता है। बट अदर देन दैट लॉन्ग लास्टिंग है और ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मुझे अभी तक, बिकॉज़ इट्स स्किन फ्रेंडली हर्बल प्रोडक्ट, नो केमिकल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस प्रोडक्ट, प्लस ये क्रुएल्टी फ्री है, एनिमल्स पे टेस्टेड नहीं है, सो पीटा फ्रेंडली यू कैन से। सो ये पॉजिटिव्स है इसके। नाउ वन थिंग आई विल लाइक टू कमेंट, ये जब मैं प्रोडक्ट्स सिलेक्ट कर रही थी तो पहले तो मैं जस्ट हर्ब्स के साइट से ही सिलेक्ट की, लेकिन आई विल टेल यू जस्ट हर्ब्स का साइट बहुत ख़राब है। ऑनलाइन जो साइट है इनका, उस साइट से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वन, जैसे कि मैंने साइट से सिलेक्ट की थी तो वहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा था मुझे, उससे बेहतर प्राइस में मुझे ये नायका में मिल गया। तो मैं वहाँ
जस्ट हर्ब्स का साइट में जाके उस चीज़ को कैंसिल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कैंसिलेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मेरा वो चीज़ कैश ऑन डिलीवरी था, सो इट डिड नॉट मैटर टू मी। लेकिन अगर ये प्री पेड होता तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं होता है। सो मेक श्योर कि अगर आप साइट से ऑर्डर कर रहे हैं तो प्री पेड करना रिस्की हो सकता है इन केस यू वांट टू कैंसिल। नायका में मुझे वो सेम चीज़ ऑफर में मिला और काफ़ी कम प्राइस में मिला, कुछ 200-300 रुपये का फ़र्क मुझे मिला। जस्ट हब्स के साइट में 200-300 रुपये ज़्यादा लग रहे थे और इसलिए मैंने नायका से ही लिया। तो दो पैक लिपस्टिक्स का मैंने सेम चीज़ का लिया, बिकॉज वो लिपस्टिक्स वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले, तो वो एक जो शेड है वो 2-3 बुलेट्स में आ रहे हैं, बट फिर भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर 2 बॉक्सेस। और दोनों बॉक्स ऑफर के साथ जो प्राइस आया वो था कुछ लगभग 600, सो ऑलमोस्ट 300 पर बॉक्स। एंड आई शेडो में भी थोड़ा सा डिस्काउंट मुझे मिला नायका में। सो द टोटल थिंग, मैं जस्ट हब्स का ही प्रोडक्ट पर नायका से ली हूँ। अब जस्ट हब्स में जो ऑलरेडी ऑर्डर मेरा हो प्लेस हो चुका था उसके लिए ये लोग बार बार मैसेज व्हाट्सएप मैसेजेस में भेज रहे थे दैट योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, और मैं वहाँ पे बहुत बार कोशिश की हूँ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए, बट दे आर स्टिल नॉट कैंसिलिंग इट। बार बार डिलीवरी के लिए फ़ोन आ रहे हैं, डिलीवरी पीपल फ़ोन कर रहे हैं और मैं उनको भी कह रही हूँ कि प्रोडक्ट मैं कैंसिल कर चुकी हूँ, मैं डिलीवरी नहीं लूँगी। एक जन से मैं बात करती हूँ तो वो लौटा देते हैं सामान और वापस से किसी और डिलीवरी पर्सन के पास चला जाता है, और वो वाला डिलीवरी इंसान फिर फ़ोन करता है और फिर मैं उन्हें कहती रहती हूँ कि मैंने डिलीवरी मुझे नहीं लेना है, मैंने ऑर्डर कैंसिल किया है। ऐसे मुझे 5-6 बार करना पड़ा। सो लगातार ये लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं फॉर टेकिंग द प्रोडक्ट, वेयर आई एम गोइंग ऑन टेलिंग देम कि मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए और मैंने डिलीवरी कैंसिल कर दी है, वो एक्सेप्ट मैं नहीं करूँगी। फिर जस्ट हब का जो कंपनी है वहाँ से ऑटो जनरेटेड मैसेज आता है, रोबोटिक मैसेज, वहाँ पे आप किसी इंसान से बात नहीं कर सकते पर वहाँ आपको ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो वो लोग ऑप्शन दे रहे हैं कैंसिलेशन का फ़ोन पे, और नंबर 2 मेरे ख्याल से कैंसिल का ऑप्शन होता है अगर ऑफ़र लेना है, अगर वो चीज़ एक्सेप्ट करना है तो 1 प्रेस करना होता है और कैंसिल करना होता है तो 2 प्रेस करना होता है। मैं वहाँ पे 2 प्रेस बहुत बार कर चुकी हूँ, मैंने जितनी बार मेरे पास कॉल आया उतनी बार मैंने 2 प्रेस किया और मैंने कह दिया कि मुझे कैंसिल करना है। इवन आफ्टर दैट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, सो दिस इज़ कंटिन्यूसली हैपनिंग। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट तो सही है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आप साइट में से मत लीजिए, आप किसी और प्लेटफॉर्म से लीजिए, नायका या फिर कोई भी और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं या किसी शॉप से ख़रीद सकते हैं। बट इफ़ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट इट ऑनलाइन फ्रॉम द जस्ट हब साइट देन इट कैन बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग। तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया, अदरवाइज प्रोडक्ट्स आर फाइन, प्रोडक्ट्स आर गुड बट लिटिल ड्राई, सो यू माइट हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन बिफोर यू अप्लाई इट। लिप्स लिप बाम लगा के उसके बाद आप ये यूज़ कीजिए तो ठीक रहेगा। वाटर प्रूफ नहीं है बट अदरवाइज इट्स फाइन। एंड इसके जो आई शेडो हैं वो भी वाटरप्रूफ तो नहीं है बट इट्स ऑल राइट, थोड़ा सा क्रीमी प्रोडक्ट है लेकिन शाइनी बिल्कुल नहीं है, तो इट्स गोइंग टू हैव अ परफेक्ट सेटिंग, सो इट्स नॉट केकी, अलग से उठ नहीं जाएगा, सो यू कैन अप्लाई इट वेरी स्मूथली, सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट बट जस्ट बी केयरफुल कि आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं।